के मारे जाने की खबर है। सबसे बड़ा हमला बैटकलान कॉन्सर्ट हॉल में हुआ है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। तकरीबन 6 जगह हमला हुआ है, 5 हमलावरों को मार गिरा गया है। 2 सुसाइड अटैकर्स थे जिन्होंने स्टेडियम के बाहर हमला किया। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और इतना नहीं, जो जानकारी अभी आ रही है उसके मुताबिक जो अटैकर्स हैं उन्होंने आसपास के इलाकों में हमले किए, पेरिस के रेस्टोरेंट में गोलीबारी हुई, सुसाइड अटैक किया, और यह पेरिस के इतिहास में सबसे बड़ा हमला है, जो कि पेरिस में जिसको कहा जाता है कि सबकी उसकी आजादी, पेरिस में जो आजादी की भावना होती है, जो एक फीलिंग ऑफ फ्रीडम होती है, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम होती है, उसकी बात करते हैं लोग, ये उसके ऊपर सबसे बड़ा हमला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। और अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक फ्रांस और जर्मनी की फुटबॉल टीम दोस्ताना मैच खेल रही थी स्टेट दी फ्रांस में। फ्रांस के राष्ट्रपति मैच के दौरान मौजूद थे और फिर एक धमाका होता है। आपकी स्क्रीन पर यह धमाके की आवाज सुने आप। मैच चल रहा था, भीड़ थी लोगों की, और उसके दरमियान इतना जबरदस्त धमाके की आवाज। जर्मन फुटबॉल टीम अभी भी स्टेडियम के अंदर मौजूद है। धमाका हुआ, लोग स्टेडियम के अंदर नीचे मैदान पर आ जाते हैं, उतर आते हैं। जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनको बीच मैच में हटा दिया जाता है वहां से। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। दिखाते हैं कहां कहां यह धमाका हुआ। बैटकलान कॉन्सर्ट वेन्यू जो है वहां पर एक अमेरिकन बैंड परफॉर्म कर रहा था। हमारी सहयोगी लवीना टंडन हमें बता रही थी। ली कैरेलॉन यहां पर गन अटैक हुआ, यहां पर धमाका हुआ। ली पेटिट कंबोज यहां पर भी हमला हुआ। ला बेले इकोपे यहां पर भी हमला हुआ। और स्टेट दी फ्रांस जो स्टेडियम है वहां पर भी आतंकियों ने हमला किया। आपकी स्क्रीन पर हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए स्टेडियम के बाहर जब धमाका होता है तो किस तरीके से ग्राउंड में लोग उतर आते हैं, हैरान, पूरी तरीके से शोक स्तब्ध। क्योंकि ये फ्रांस की अगर बात की जाए तो फ्रांस के इतिहास में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरी घटना पर खेद व्यक्त किया है, दुख जताया है, और इतना ही नहीं कहा है कि जो हर संभव मदद के लिए हम तैयार हैं, लोगों के साथ हैं। यही डेविड कैमरन जो वहां के ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका ये कहना है। हैरानी की बात यह है कि वेम्बले स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी और डेविड कैमरन दोनों ने लंदन और मुंबई के आतंकी हमलों का जिक्र किया और किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से घटना घट जाएगी यहां पर। बराक ओबामा ने इस पूरे घटना की निंदा की है और क्या कहा है आपको दिखाते हैं। अब वी डोंट येट नो all the details of what has happened. We have been in contact with French officials to communicate our deepest condolences to the families of those who've been killed, to offer our prayers and thoughts to those who've been wounded.
We have offered our full support to them. चिंता का विषय यह है कि यह हमला सिर्फ 10 महीने के अंदर हुआ है। दूसरा बड़ा हमला शार्ली हेब्दो पे जो हमला हुआ था, जिसमें तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद ये दूसरा हमला है 10 महीने के अंदर। फ्रांस की सिक्योरिटी व्यवस्था को लेकर यह प्रश्न चिन्ह, ये सवालिया निशान लगाने वाला हमला है, खासकर ये देखते हुए कि किस तरीके से ये एक और हमला हुआ है जिसने फ्रांस की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से झकझोर के रख दिया है। और धनंजय इस वक्त हमारे साथ है। धनंजय, अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास? जी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि एटलीस्ट 140 लोगों की मौत हो चुकी है। जो हमले लगभग 10 से 10:30 बजे फ्राइडे नाइट को शुरू हुए थे। यहाँ पे एक कॉन्सर्ट हॉल है पेरिस के सेंटर में, जहाँ पे 100 लोग मारे जाने की खबर है, और तीन या चार अटैकर्स उनकी भी मौत हो चुकी है। फ्रांसवा ओलांद प्रेसिडेंट, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। 1500 मिलिट्री पर्सनल अभी पेरिस में है। फ्रांस की इंटरनेशनल बॉर्डर सील कर दी गई है। कल स्कूल और यूनिवर्सिटीज को छुट्टी दे गई है, और इन जनरल फ्रांस की जनता और पूरा यूरोप, मैं कहूँ तो पूरा स्टेट ऑफ शॉक, क्योंकि दूसरी बार 10 महीने में एक ऐसा मेजर अटैक पेरिस में हुआ है, और ये पेरिस इज वन ऑफ द मेजर वर्ल्ड कैपिटल्स, तो इसकी वजह से ये एंटायर कंट्री इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक बेसिकली। धनंजय, अभी जिस तरीके से सिक्योरिटी व्यवस्था है उसके ऊपर क्या टिप्पणी है? और खबर आ रही है, जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था, कि जो फुटबॉल टीम है वो वहीं पर है अभी भी। हाँ बिल्कुल, खबर ऐसी थी कि ये जो अटैक थे उसमें से एक अटैक साउथ द फ्रांस, जहाँ पे फ्रांस और जर्मनी का मैच चल रहा था, इंटरनेशनल मैच, उसके बाहर हुआ था। और ऐसे भी खबर आ रही है कि उसमें 2 हमलेवार थे, वो सुसाइड अटैकर्स थे। तो उसके बाद ये जर्मन टीम जो है, कुछ देर पहले ऐसी खबर थी कि वो अभी भी स्टेडियम में है, उनकी सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग टू द मेजर्स दैट द अथॉरिटीज हैव टेकन, द जर्मन टीम को स्टेडियम के अंदर ही रखा गया था। जो बाकी जगह हैं, बताया जा रहा है कई जगह गन अटैक हुआ। धनंजय, आप फ्रांस में मौजूद हैं, तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, ये 11वां डिस्ट्रिक्ट और 10वें डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर अटैक्स हुए हैं, ये क्या नजदीक है? 11वां डिस्ट्रिक्ट, देखिए फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट है, टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट है, और ये डिस्ट्रिक्ट ऐसे है कि पहला डिस्ट्रिक्ट सेंटर में है, और बाद में कॉइल जैसा अपना बढ़ते जाता है, मतलब एक के बाद 2, 3, 4 ऐसे कॉइल बढ़ता जाता है। तो जो 11वां डिस्ट्रिक्ट है वो सेंटर की थोड़ा, मतलब एक नंबर का हम सेंटर रखे तो उसके ऊपर 11वां डिस्ट्रिक्ट, मतलब सेंटर ही मान जाए। वहाँ पे बहुत पॉपुलर ईटरीज है, बहुत पॉपुलर पब्स है, और फ्राइडे और सैटरडे नाइट को तो बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे। और अगर आपको पेरिस आए हो तो आपको पता होगा कि बाहर रेस्टोरेंट में लोग बाहर भी कुर्सियाँ रख के बैठते हैं, तो वहाँ पे एक जोवियल एटमोसफियर होता है ऐसे रेस्टोरेंट्स में। तो एक 11वें और 10वां डिस्ट्रिक्ट इट्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेरिस, जो पेरिस का जो बाउंड्री है उधर तक वो एक्सटेंड होता है। तो ये दो जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बहुत सारे 11वें में ज्यादा रेस्टोरेंट्स है जहाँ ज्यादा पॉपुलर, लेकिन 10वें भी बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे लोग जाते हैं, और फ्राइडे नाइट तो बहुत ही पॉपुलर रहता है यहाँ पे, लोग बाहर निकलते हैं, इंजॉय करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली और हॉरिफाइंगली, ट्रेजिकली, और आज ही वो कल रात को ही वो अटैक हुआ था। ये अटैक जो हुआ है धनंजय, फ्राइडे के दिन हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जो बैटकलन जो है कॉन्सर्ट हॉल, वहाँ पे बताया जा रहा है अमेरिकन बैंड प्ले कर रहा था, ये सब किस ओर इंगित कर रहा है? जी, ये बैटकलन में एक अमेरिकन, कैलिफोर्निया से अमेरिकन बैंड म्यूजिक प्ले कर रहा था। मेरे दोस्त थे जो कई बार बैटकलन में कॉन्सर्ट के लिए जा चुके, और उनका कहना है कि वो बैटकलन ओपन एयर नहीं है, वो ऐसा क्लोज्ड कॉन्सर्ट हॉल है, तो वहाँ पे डेंसिटी बहुत होती है लोगों की। तो आप सोच सकते हो कि अगर वहाँ पे उनको हॉस्टेज लिया गया था और बाद में जो भी शूटिंग हुआ वहाँ पे, तो कितना भयानक सीन रहा होगा वहाँ पे। तो जी बिल्कुल, ये बहुत ही, और साधारण 120 से 140 जो जिनकी मौत हुई, उसमें से 100 लोग तो सिर्फ उसी कॉन्सर्ट हॉल में मारे गए थे। तो हाँ, ये
बहुत ही भयानक घटना है ये जो फर्स्ट हॉल में हुई। एक और चीज मुझे बताइए धनंजय, अभी जो वहां पर लोग हैं उनका क्या कहना है, और जो मौतें हुई हैं उसमें फ्रांस के लोकल्स ही ज्यादा है या और कंट्रीज के लोग भी हैं? उनकी आइडेंटिटी तो अभी पता नहीं है, लेकिन आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैक्सिमम फ्रांस फ्रेंच ही होंगे, पेरिजियंस ही होंगे। दूसरी बात है कि मैंने जैसे आपको बताया कि दूसरी बार है कि इतना बड़ा हमला हुआ, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये फ्रांस का 9/11 है ये आज कल का जो हमला हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना गहरा सदमा पहुंचा होगा लोगों को यहाँ पे, कि फ्रांस जैसा लिबरल देश है वहाँ पे 10 महीने में 2 इतने बड़े हमले होते हैं। तो नेचुरली पीपल आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक, इट्स सो अनरियल, वो मतलब ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। अभी जैसे आप इमेजेस में देख रहे होंगे, पुलिस है हर जगह पे, वो अपने गन्स लेके प्रोटेक्टिव वेस्ट लेके सब जगह वो कॉम्बिंग कर रहे हैं। तो ये ऐसे पेरिजियन डिस्ट्रिक्ट जैसे 11वां डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ होगा? मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ।